आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आपको मैच करना है कॉलम वन और कॉलम टू को, राइट? सो देखो, बेसिकली देखो, आपको यहाँ पर MOT हमें देखना होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, मिक्सिंग होगी या अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट? सो सबसे पहले हम B2 की बात करते हैं। सो जब भी मुझे आपकी MOT करनी होती है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करने होंगे। सो टोटल एक बोरोन के पास 5 होते हैं, तो 2 बोरोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो, बोरोन के केस में क्या होता है, SOP में आपके पास जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, तो इसमें मिक्सिंग होती है, राइट? सो B2 के लिए T तो करेक्ट है। अब मिक्सिंग होती है तो उससे होता क्या है कि देखो, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर σ1*1s एंटी बॉन्डिंग आएगा आपके पास, राइट? फिर σ2s2 आएगा, फिर σ*2s2, राइट? मिक्सिंग की वजह से अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास पाई वाले जो होते हैं वो आपके पहले आ जाते हैं, πy2πx दोनों तो होते हैं सेम आ जाते हैं आपके पास फर्स्ट, मतलब इनकी एनर्जी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू यहाँ पर σ2πz से, राइट? अब होने वाला क्या है, देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 8 ऑलरेडी कर चुके, सो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, फाइन? सो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, राइट? पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कितने, देखो 2+2 = 4, 5, 6, राइट? एंटी बॉन्डिंग बाकी के बच्चे 4 हो जाएंगे, सो ये आ गया 1। सो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, उन्होंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, सो नहीं, सो ये नहीं होगा, राइट? सो पैरामैग्नेटिक होने वाला है आपका P, राइट? और T हो गया। अब देखो, अगर मैं B2 की बात करती हूँ, सो B2 ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, अगर मैं एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर रही हूँ और हीट कर रही हूँ, सो B2O3 बन जाता है, राइट? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहीं पर B2 जो होता है ये आपका रिडक्शन भी अंडरगो करते हैं, बिकॉज अगर H2 ऐड करोगे इसमें, सो ये आपका B2H6 भी बना लेगा, राइट? सो ये रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, क्लियर? सो TPQ और R इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं B पर, B आपका क्या है, N2। अब देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14। सो अगेन कैसे होगा, देखो σ1s2 σ*1s2, इसमें भी आपके पास क्या होती है, SP मिक्सिंग होती है, राइट? σ*2s2 πy2py = πy2px, राइट? अब देखो इसमें क्या है, अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, 2 यहाँ चले जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब σ2πxz में अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, भाई, क्लियर? सो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, डायमैग्नेटिक हो रहा है, इज़न्ट इट? ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे पेयर्ड है, सो पैरामैग्नेटिक तो नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं बात करती हूँ, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देख लो, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो बाकी के 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ गया 3, राइट? ये आपके पास आ गया 3, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पर मेरे पास N2 के लिए क्या क्या करेक्ट हो गया, एक तो मिक्सिंग होगी पी ऑर्बिटल्स की, और S आपका क्या है, करेक्ट है, राइट? अब अगर मैं बात करती हूँ, देखो N2 जो होता है वो आपका ईजिली क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी अंडरगो कर सकता है, अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे N2 में, सो वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बना लेगा, और रिडक्शन भी आपका फॉर्म करता है, उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, राइट? सो ये क्यू और आर आपका करेक्ट होगा, फाइन? जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि N2 आपका कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में हेबर्स प्रोसेस में, राइट? सो यहाँ पे इसका रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो इसलिए रिडक्शन भी करना आ सकता है और इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अब सी पर मूव करते हैं, वो है मेरे पास O2-। O2- में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17। यहाँ पर आपकी SP मिक्सिंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होगा σ1s2 σ*1s2, राइट? σ2s2 σ*2s2, क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन्स फेल हो गए। फिर देखो आपको समझना होगा, यहाँ पर पाई नहीं आएगा क्योंकि इसमें SP मिक्सिंग नहीं है, तो पहले आपका σ2πz आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? फिर πy2πx होगा,
इसमें आपके पास अब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए राइट। फिर सिग्मा 2pz आएगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी नॉट सिग्मा 2pz, आपका पाई स्टार वाला आएगा, पाई स्टार 2py इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2px। एक बार काउंट कर लेते कितने इलेक्ट्रॉन्स फेल हो गए हैं हमारे पास, यहाँ तक 10 हो गए हैं राइट, 11, 12, 13, 14, तीन इलेक्ट्रॉन्स फेल करने हैं, सो इस टाइप से होगा राइट। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो पैरामैग्नेटिक होगा। अब अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सो देखो सिंपली आप कैलकुलेट करोगे तो 10 बॉन्डिंग, 7 एंटी, 7 आपकी एंटी बॉन्डिंग होगी डिवाइडेड बाय 2, सो ये 1.5 आ रहा है। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि O2 नेगेटिव के लिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है राइट। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो लेस देन 2 है, सो ये नहीं होगा और sp मिक्सिंग में नहीं हो रही है। अब आपको पता है कि देखो O2 नेगेटिव O2 की तो एग्जिस्ट करता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन या अंडरगो कर सकता है ऑक्सीडेशन भी। रिडक्शन आपको पता है कि O2 2 नेगेटिव की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है राइट, सो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो मतलब रिडक्शन भी अंडरगो कर सकता है ये आपका राइट। अब मैं O2 की बात करती हूँ, O2 में होते हैं मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पर भी sp मिक्सिंग तो होने वाली नहीं है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। सो सेम केस रहेगा आपका, बस कॉन्फिगरेशन में थोड़ा सा चेंज आने वाला है राइट। इस टाइप से दिखा सकते हो, अब देखो यहाँ पर आपका इस टाइप से सिस्टम होगा, आप काउंट कर लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 राइट, सॉरी पाई स्टार 2py इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2px, 1-1 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगेन अनपेयर्ड है सो पैरामैग्नेटिक। अगेन देखो बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर लेना, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2 ही निकल कर आएगा राइट राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो ये पैरामैग्नेटिक है तो P करेक्ट होगा, मिक्सिंग नहीं होने वाली, बॉन्ड ऑर्डर वाला S आ गया अब आपका राइट। अंडरगो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करती हूँ सो देखो O2 जो है इसके केस में अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपका बात करूँगी सो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिडक्शन ही अंडरगो कर सकता है राइट। मतलब आपको बताइए कि O2 जो है O2 नेगेटिव में जा सकता है, रिडक्शन अंडरगो कर सकता है, पर जीरो से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, जीरो से ज़्यादा आपके पास कभी हमने +1 देखी है नहीं, सो ये सिर्फ रिडक्शन करेगा R राइट। सो ये करेक्ट आंसर है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।